2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात की सियासत के लिहाज से कल का दिन गुजरात में बेहद अहम हो सकता है। दरअसल पाटीदार समुदाय के बड़े चेहरे हैं नरेश पटेल, कल राजनीति में औपचारिक तौर पर आने का ऐलान कर सकते हैं और लंबे समय से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नरेश पटेल पर डोरे डाल रही है, तो कल उम्मीद की जा रही है कि नरेश पटेल जो हैं वो अपने पत्ते खोल सकते हैं कि आखिरकार नरेश पटेल किसके साथ। क्या कल कांग्रेस में एंट्री करेंगे नरेश पटेल? क्या गुजरात चुनाव में हाथ का साथ देंगे नरेश पटेल? ये वो सवाल हैं जिनको लेकर आज गुजरात की सियासत गर्म है। ये वही नरेश पटेल हैं जिनके गुजरात कांग्रेस में जाने की अटकलें लंबे समय से चल रही थी, और अब नरेश पटेल ने मीडिया को न्योता दिया है। माना जा रहा है कि कल नरेश पटेल चुनावों में कांग्रेस के हाथ के साथ का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। करीब 56 साल के नरेश पटेल अपनी सामाजिक गतिविधियों की वजह से बीते दो दशकों में पाटीदारों के सबसे बड़े सामाजिक नेता के तौर पर उभरे हैं। नरेश पटेल पाटीदारों की दो उपजातियों में से एक लेउआ पटेलों की कुल देवी खोडल माता के नाम पर बने खोडल धाम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख हैं। माना जाता है कि नरेश पटेल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की खोज हैं। बड़े सामाजिक नेता की पहचान के साथ नरेश पटेल सफल व्यवसायी भी हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि बीजेपी नहीं चाहती कि नरेश पटेल कांग्रेस में जाएं। आम आदमी पार्टी की भी कोशिश नरेश पटेल को अपने पाले में लाने की है। संकेत यही है कि नरेश पटेल जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस के लिए उनकी अहमियत अब और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कांग्रेस नेताओं का हार्दिक पटेल पर आरोप है कि वो नरेश पटेल की एंट्री का विरोध कर रहे थे क्योंकि नरेश पटेल की कांग्रेस में एंट्री से उन्हें अपना भविष्य असुरक्षित लग रहा था। सामाजिक नेता के साथ साथ नरेश पटेल की छवि उदारवादी है और उनका परिवार पहले से कांग्रेस के करीब रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि सौराष्ट्र के साथ पूरे गुजरात की करीब 50 से 60 पाटीदार प्रभाव वाली सीटों पर नरेश पटेल के कारण उसे बड़ा लाभ होगा। गुजरात की कुल आबादी का करीब 13 से 14 फीसद पाटीदार हैं। लगभग 30 से 35 सीटें पाटीदार बहुल मानी जाती हैं। राज्य की राजनीति में पटेल समुदाय प्रभावी है। यही वजह है कि पटेल पॉलिटिक्स को समझते हुए बीजेपी ने अपना सीएम बदला। अब नरेश पटेल के कांग्रेस में आने के बाद राज्य की पटेल पॉलिटिक्स में बड़ा उलटफेर दिख सकता है। तो 2024 तैयारी शुरू देख रहे थे आप, मुझे इजाजत दीजिए, कल शाम 6 बजे एक बार फिर से इसी शो के साथ आपसे मुलाकात होगी। पूर्णिया सिटी जानिए। पूर्णिया सिटी हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। Thank you.
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।